हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो भाई आज आए हैं छत पे। वैसे तो डेली आते हैं भाई, वीडियो नहीं बना पा रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपने भाइयों के लिए वीडियो बना दी जाए। तो सारे कबूतर देखो भाई पीछे जाल में बंद है, फटाक से इनको खोलते हैं और आप सभी को कंडीशन चेक कराते हैं कि अपने कबूतरों की कंडीशन क्या हो चुकी है। भाई मतलब ये मान लो काफ़ी हद तक ना अपने कबूतरों के ऊपर आ चुके हैं, बस ये है 4-5 दिन की कसर है, ये अपना उड़ने भी लगेंगे। इधर सुनील अंकल के कबूतर दोस्तों उड़ने लगे हैं, ये देखो ये उतर रहे हैं और एक पट्ठा फटक गया इनका, नया बिल्कुल नया घर का ही पट्ठा है, देखो उतरेगा कैसे। चलो अपने कबूतरों को पहले खोलते हैं। और दोस्तों देखो हमारे यार चिकनावा बनने के लिए रेडी है, तेल का चिकनावा बनाना है। बहुत सारे तो मैं गिर चुका हूँ, अब देखो इतना तेल बचा है, जितना तेल बचा है ना उतने चिकनावे गिरेंगे। तो आज एक और चिकनावा बनाऊंगा और गिरूंगा, और अपना मिक्स दाना भी रखा हुआ है, चिकनावे के हिसाब से मैंने दाना लिया है। और बाकी कबूतर बंद है, जल्दी से अपने कबूतरों को खोलते हैं और सारे भाई वीडियो में बस एंड तक बने रहो। कबूतरों के भाई पर बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, और जो अपने दो नए कबूतर लाया था ना भाई, जैसे कि एक मक्सी चोटीदार और एक कबूतर और था वो मादिन है एक, ये बैठी सामने जस्ट, इसके ही पर खोल दिया। बाकी दो और हैं नए, लेकिन उनके ना मैंने पर उखाड़ दिए क्योंकि उनके भाई पुराने थे, इन दोनों के नए नए पर थे। जल्दी से इन्हें खोलते हैं। मादिनों वाले लॉफ्ट को पहले खोलूँगा। और भाई साहब इतना पर झाड़ रहे हैं ना, गेट खोल दिया। पानी गंदा इसलिए लग रहा है क्योंकि कल भाई मैंने इनको दवाई वाला पानी दिया था। आह आह बेटे आह उधर खुलते ही ये सारी मादिने बाहर आ गई हैं। एक मादिन हमेशा रह जाती है, पता नहीं इसको क्या है, इसका पर छोटा है ना बेचारी का, मतलब छोटा रह गया इसका। तू भी आ जा घर की बच्ची। चलो दोस्तों ये है हमारे पास मादिने, ठीक है। और भाई साहब इतना पर देखो गिर रहे हैं, और पानी में देखो कितना पर है, पानी तो दिख भी नहीं रहा, पूरे जाल की कंडीशन ऐसी तैसी हो रखी है। पर पहले चिकनावा बनाएंगे उसके बाद जाल को साफ करते हैं, फिर मिलते हैं। तो अंकल के कबूतर उड़ने लगे हैं, अभी इनका दाना थोड़ा खींचना है। अभी दोस्तों बिल्कुल भी तुम्हारे भाई को टाइम ही नहीं मिल रहा कि इन्हें ध्यान दें उन पे कबूतरों पे, यही है अपना थोड़ा काम धंधे में लगे हुए हैं भाई, इसीलिए टाइम नहीं मिल पा रहा। कुछ टाइम बाद भाई ऐसा होगा कि सुबह का टाइम ही कर दूंगा अपना कबूतरों का सुबह का, क्योंकि सुबह मैं निकल जाता हूँ भाई 9 बजे, इसीलिए मेरे को टाइम नहीं मिल पाता इनको, और शाम को ही आता हूँ। अपने कबूतर देखो दोस्तों सारे ही घुटक रहे हैं, और कुछ कबूतर अपने आप ऊपर जा रहे हैं, देखो देखा देखी जा रहे हैं सब। ये देखो ये देखो ये देखो, ये कबूतरी अपनी बिल्कुल नई कबूतरी है, मक्सन ये बैठी, ये उतरी, इसका पट्ठा भी हमारे पास, देखो वोरा वोरा वो बैठा भाई गुलाबी, और ये है इसका नर जरदबंद, देख लो भाई इसी का पट्ठा है इस जोड़ का। और ये मादी मेरी नई थी, अब जाके परंद हुई है, ये जंगली कबूतर सोच रहा है आज बाबूजी दाना क्यों नहीं घेर ले। लो बाबू तुम दाना खाओ पहले, देखो दाने के भूखे तो हैं ये। अब देखो कबूतर आएंगे ऊपर से नीचे, मैंने इस कदर भूखे रख रखे कि आवाज़ पे आ जाएं, ये नहीं कि चटके तो भाई आए ना, वरना घर का पट्ठा भी ऊपर ही बैठा हुआ है, ये तो भाई हिला हुआ है। खैर गंडे बना रहा हूँ, कोशिश बन जाए तो देखते हैं, बाकी कोई बात ही नहीं। कबूतर देखो सारे उड़ने की कोशिश कर रहे हैं सारे, लेकिन देखो उड़ देंगे, वैसे मुश्किल ही उड़ेंगे। दाना मैंने खींच रखा है इनका थोड़ा बहुत, पर जल्दी से चिकनावा बनाया यार, बहुत लेट हो गया है। तो भाई अपना चिकनावा हो चुका है रेडी। तेल का चिकनावा भाई प्रॉपर नहीं बनता, पता नहीं मुझसे क्यों ऐसे ही बनता है, और इसकी गोलियाँ भी मेरे से टूटती नहीं है, इसलिए मैंने इसको ना ऐसे बिखेर के मतलब फैला के घेर देता हूँ। और अपने कबूतर देखो, जैसा कि कुछ कबूतर ऊपर बैठे हुए हैं और कुछ नीचे हैं, कुछ क्या बहुत सारे नीचे हैं, उनको देखो डालूंगा ना तो सारे ही खा लेंगे। आह आह ऐसे मैं मीट दूंगा, देखना अभी देखना सारे आ जाएंगे, सारे खा लेंगे। देखो दोस्तों सारे आ गए ना खाने के लिए, सारे खा लेंगे। अब कौआ बैठा है, कौआ नहीं है दोस्तों कबूतर है अपना, ये आजा मादिन निकली है अपनी काली दैयड़, आओ ये देखो आया चमक रही है क्या, आजा बेटी अपनी छत है, तेरे चक्कर में तो गाली बक दी थी मैंने बंदों को, आजा दाना खा ले। चलो भाई सारे देखो लग गए ना खाने के लिए। तो दोस्तों देखो जाल की कंडीशन, पानी का कूंदा रख दिया, बस पानी नहीं भरा है, और देखो पूरी तरीके से साफ़ हो गया, बस वो दाग रह गए हैं, और परवर देखो बिल्कुल क्लीन हो चुका है, ये देखो बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और कल इसकी कंडीशन देखना फिर ऐसी हो जाएगी, जबकि डेली साफ़ हो रहा है, क्योंकि भाई कबूतरों के बारीक पर भी हम निकलवा रहे हैं, कुरीज कहते हैं जिसे। अब लगाए गेट, अपने आप भी कबूतर भाई करता है ना तो बहुत टाइम लगाता है, तो ये जल्दी कबूतरों को करवाने के लिए होता है कि तेल का चिकनावा गिर दो। देखो पूरी तरीके से चट कर चुके हैं, यहाँ तेल का चिकनावा गिरा हुआ था, देखो भाई दाग है। और थोड़ा आप अपने कबूतरों से मज़े वगैरह भी ले लेते हैं, उड़ाते हैं इन्हें ऊपर, ये देखो ये गए ऊपर, ये देखो नई कबूतरी है बिल्कुल नई,
और इसके मैंने पर उखाड़ दिए क्योंकि इसके नए पुराने थे ना भाई, इसलिए मैंने उखाड़ दिया। मैंने कहा चल परंद हो जाएगी। ये देखो ये गए, ये मक्सी कबूतर रह गया और काला चांदना उड़ गया मेरा। वाह भाई वाह, देखो अभी भी इतने कबूतर बैठे हैं, गर्दान है इसमें तो कुछ मेरे। चल ये गए ये गए, ये मक्सी फिर रह गया, दो बार जाता जाता रह गया। और एक नई वाली भी पट है शायद, यही है, ये नई वाली पट है मेरी, मतलब कबूतरों में ही आई है। ये देखो बाकी गए वो पांच, वो रे चार पांच, और बाकी ये देखो दोस्तों। वाह भाई वाह, कबूतर ही कबूतर है। हाँ मेरे शेर आ गए ना सारे, रह रहे हैं अभी भी, देखो कितने कबूतर। ओ तो भाई अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इनका दाना पूरा कर दिया जाए, क्योंकि अब टाइम भी हो चुका है और मैंने कंडीशन भी चेक करा दिया कि कबूतर अपने ऊपर नीचे बैठने लगे। बस थोड़े से परों की कसर है, दिखा दूँ इस मादिन के, देखो काली चांदनी मादिन के, देखो समझ में आ जाएंगे। ये देखो दसवा, देखो पर कैसा है, बस एक इंची छोटा है। और इस कबूतरी के देखो सबके मतलब ऐसी है, थोड़ा थोड़ा रह रहा है। ये देखो इसके देखो आधी इंची का फ़र्क है, हैदराबादियों के तो आधी इंची का फ़र्क है, बाकी जो काले चांदने हैं बड़े हुए ना साइज़ के, इसीलिए इनके एक एक इंची का फ़र्क है। देखो ये पट्टा, देखो भाई पट्टा था आज, देखो अपने पास पूरा नर बन चुका है, लाजवाब ही लगता है। और देखो कितना प्यारा गुटकता है, ओए होए मेरी जान। कबूतर ये है, चार हैं पटियाले, नहीं रख रखे हैं पटियाले तो ऐसी गंद डाल रखे, नहीं भाई जो धर रखे हैं वो भी बढ़िया हैं, पटियाले हैं चांदने देखो सारे। ये देखो मेरी जान, ये तो मेरा सबसे पुराना काला चांदना है, इसकी एक बहन भी है वो है ये मादिन पट है पटियाली। एक ये नहीं आया मेरा बाबू जी हमारा शौक कराओ। ये देखो भाई कौआ है बिल्कुल, सफ़ेद सफ़ेद पड़े, इन्हें दैयड़ बोलते हैं। ये अपना मक्सी शौक करो भाई इस कबूतर का, ओए चोटीदार है भाई। ऐसा एक और है, और एक और मैंने फिर ले लिया था लेकिन मैंने भाई दे दिया। और एक ही अपने घर का पट्टा है, ये ऊपर बैठा हुआ है। अब तो इन्होंने गर्दन वर्दन की कुरीज मेरे हिसाब से पूरी कर लिया, बाजुओं की कर रहे हैं जहाँ तक है। आ जा बेटे, ये आ गया अपने घर का पट्टा, ये बेचारा हरा निकल गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी उड़ाएंगे कबूतरों में। ये देखो अपना सफ़ेद, ओए होए पर चेक करो भाई इनके ना, ऐसा कोई होता ना तो पर का कूंदा चेक कराता सारे कबूतर का, एक का नहीं किसी भी कबूतर पर हाथ धर देते ना कोई, और सबका कूंदा भाई एक जैसा ही मिलता। ऐसे पर लाए देखो, डेढ़ डेढ़ इंची पर चौड़े लाए भाई, लगभग लगभग बता रहा हूँ, छोटे मतलब उससे थोड़े कम भी हैं, थोड़े ज़्यादा भी लाए हैं कुछ कबूतर वजन के हिसाब से। तो बिना किसी देरी के पहले दाना घेर देने, खाओ माल भर के। तो दोस्तों कबूतरों ने तो अपना दाना वगैरह खा लिया है, और थोड़ा बहुत ही रह गया है जो इधर उधर से चुन के खा रहे हैं, बाकी पानी मैंने रख दिया जाल में। और अपने भाई कल कबूतरों की कंडीशन बताता हूँ मैं आपको, कल मैंने इनको भाई दवाई दी थी पेट के कीड़ों की, तो भाई वो पेट दर्द करती है। और भाई भगवान की ऐसी कृपा है ना तुम्हारे भाई के ऊपर कि अपना एक भी कबूतर भाई ना सुस्त होता ना कुछ होता, होता भी है ना तो एक ही आध दिन में ठीक हो जाता है। बाकी कबूतर देखो सारे एक्टिव हैं, जबकि सबने दवाई पी है फिर भी देखो सारे एक्टिव हैं, और सारे गूंज रहे हैं नर जितने भी हैं, मादिने मस्तारी हैं, कोई कमी नहीं किसी भी कबूतर में। देखो सारे आप खुद ही शौक कर लो भाई, देखो कहोगे कि हाँ जी भाई कबूतर हो रहे हैं एक्टिव। बाकी कुछ दिनों की बात और इशारा करना है बस। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक जरूर करके जाना भाई, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना दोस्तों, नीचे लाल कलर का बटन आ रहा है उसको कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।